हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आप सब लोगों के? उम्मीद करती हूँ सब लोग ठीक ठाक होंगे। तो अभी मैं नाश्ता करने लगी हूँ। टाइम तो काफ़ी हो गया है, 11 बज गए हैं। बस आज ना मैं बच्चों को स्कूल भेज के थोड़ी देर के लिए सो गई थी, तो थोड़ा सा थका थका फील हो रहा था। तो अब बस मैं उठी हूँ तो मैंने कहा नाश्ता कर लेती हूँ, लंच में काफ़ी टाइम है, तब तक फिर ना पेट की हालत बुरी हो जानी है। देखिए बच्चों के टोस्ट देखे बचे हुए थे, खा के नहीं गए थे वो ब्रेड के पीसेस, तो ये मैंने वही वाले दोबारा से एक दफ़ा सेक लिए हैं। और ये हादिया रोटी छोड़ कर गई है थोड़ी सी, उसका थोड़ा सा गला ख़राब था तो वो खा नहीं पा रही थी। तो बस मैं फिर बच्चों की रोटी भी साथ गर्म कर रही हूँ, साथ की भी खा लूँगी मैं। ये कभी भी वो होता है ना छानपुरे में डाल दो, ये वो तो कम ही मैं कोशिश करती हूँ ना डालूँ, मैं खुद खा लेती हूँ। अक्सर माएँ हमारे पाकिस्तान में ऐसे ही होती हैं, बच्चों की छोड़ी हुई चीज़ें खा लेती हैं, अक्सर वो वही खा खा के ना मोटी हो जाती हैं, अपना भी खा लेती हैं बच्चों का भी छोड़ा हुआ खा लेती हैं। लेकिन मैं देखती हूँ, मैं अपना ना थोड़ा सा लेती हूँ क्वांटिटी में, अगर बच्चों ने छोड़ना हो ना मुझे पहले से पता होता है तब फिर मैं वो भी साथ खा लेती हूँ जो बच्चों ने छोड़ा होता है, ज़ाया नहीं करती। वो बुरा भी लगता है, आप किसी के घर गए हों या अपने घर से बच्चों को आदत डालनी चाहिए। बच्चे जब प्लेट में छोड़ दें ना तो अक्सर मैंने ख़वातीन को देखा है कि वो बच्चों की भरी हुई हाफ प्लेट दूसरी साइड पर कर देंगी, तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, खाना भी ज़ाया होता है। ज़ाहिर बात है अगर आप अपने बच्चे का नहीं छोड़ा हुआ खा रही तो दूसरा क्यों कोई खाएगा, तो वो तो फिर डस्टबिन में चला जाना होता है, या फिर वो अच्छा नहीं लगता खाना इस तरह वेस्ट करना। हाँ मैं कह रही दूध बॉयल, और अभी मैं थोड़ा सा साथ में दूध ले लूँगी, ये थोड़ी सी रोटी और बस हो जाएगा ब्रेकफास्ट, और पेट को सहारा भी हो जाएगा। और फिर लंच बना लेंगे उतनी देर तक। ये मेरी बेचारे अंडे की जर्दी बाहर निकल गई, अभी थोड़ी देर पहले ठीक था, पता नहीं इसको क्या हुआ, लगता था शहीद हो गया। ये ना ब्रेड के पीस 2 टाइम्स, 2 दफ़ा गर्म हुआ है ना, तो ये थोड़ा सा सख्त हो गए, थोड़े हार्ड हो गए, लेकिन कुरकुरे हो गए। और अभी मैंने दूध में डिप किया ना, ये देखा दूध के अंदर चला गया बेचारा। दूध गर्म बहुत है और दूध के अंदर ही चला गया। अच्छा जी, आप लोगों ने वो मिसाल तो सुनी होगी कि दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है, तो वाकई दूध का जला बहुत बुरा होता है। अभी मैंने गरम गरम दूध पी लिया, ज़रा बॉयल्ड था दूध तो मैंने ऐसे ही डाल लिया था तो मुँह ही जल गया। गला मेरा भी थोड़ा सा ख़राब नहीं है, लग रहा है जैसे ख़राब ख़राब है। तो अभी देखिए घर कितना गंदा है तो छोटा सा, और छोटी सी जगह आपको पता है ज़्यादा गंदी होती है, सब ने यहीं पे बैठना है, यहीं पे बच्चों ने पढ़ना है, खेलना है, खाना खाना है, तो फिर वो जगह ज़्यादा गंदी हो जाती है। एक ही रूम है वो पहले से बुक होता है, हस्बैंड मेरे सोए होते हैं जो अभी अभी उठ कर गए हैं, और अब जो टाइम है ना वो देखें आपको नज़र आ रहा होगा, छोटा सा मुन्ना सा 12:10 हो गए हैं, और इस टाइम जो है ना 1:30 पूरे मेरी बेटी ने माशाल्लाह से घर आ जाना है, और मुझे उस टाइम तक लंच भी बनाना है, घर भी साफ़ करना है। आज थोड़ी सी देर से उठी थी तो बस मैं जल्दी जल्दी करूँगी काम, क्योंकि अगर वो आ गई ना तो उसने मुझे कहना है मामा आपने कुछ किया ही नहीं है, सारा दिन किया क्या है आपने, बच्चों का और बाप का, बच्चों का और उनके बाबा का एक ही सवाल, आखिर आपने किया क्या है, आप करती क्या है सारा दिन। तो बस अभी मैं जल्दी जल्दी से ये सफाई करूँगी, समेटूँगी फटाफट से। चले जी, किचन के बर्तन बर्तन मैंने धो लिए हैं, यहाँ पे ढेर लग गया धुले हुए बर्तनों का। आज मैंने लिटरली बड़े ही दिनों बाद बर्तन धोए हैं, मेरे ख्याल से कोई 3 हफ़्ते हो गए हैं, महीना होने वाला है। पहले मेरी सास धोती रही हैं और उसके बाद मेरे हस्बैंड मेरी हेल्प करवाते रहे हैं, तो अब मैंने आज बर्तन धोए हैं, मेरा हाथ माशाल्लाह से काफ़ी बेहतर है। और अब मैं यहाँ पर थोड़ी सी लंच की तैयारी करने लगी हूँ, यही मेरे पास पड़े हुए थे तो मैंने कहा यही बना लेती हूँ आज फटाफट से, मुझे यही फ्रीज़र में नज़र आए हैं, बजाय इससे कि मैं सोचती रहूँ कि क्या बनाऊँ कि आज चलो बच्चे भी शौक से खा लेंगे, और थोड़ा सा मौसम भी सर्दियों वाला है और थोड़ा ज़ुकाम नज़ला खांसी जो है ना उससे भी ज़रा बच्चे बचे रहेंगे। तो बस अभी मैं फटाफट ये बनाने लगी हूँ, बर्तन मैंने समेट लिए हैं, और अभी बाहर टीवी लाउंज वैसे ही है, उसको अभी मैं बाद में समेटूँगी। अच्छा, मैंने जब ये लास्ट टाइम बनाए थे ना तो बच्चे दोबारा फरमाइश कर रहे थे, क्योंकि अदनान ने नहीं खाए थे इतने ज़्यादा, मैंने थोड़े से बनाए थे सिर्फ, तो अब ये थोड़े से बचे हुए थे तो मैंने कहा बना लेती हूँ, वैसे भी सर्दी है और हादिया को ना थोड़ा फ्लू और गला ख़राब था, तो ये थोड़े गर्म होते हैं और इससे ना बच्चों का नज़ला ज़ुकाम भी बड़ी जल्दी ठीक हो जाता है। अगर आप लोग खाते हैं ना तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा, अच्छे बनते हैं। और अभी यहाँ पर था जी लहसुन भी छीलने वाला, लहसुन अदरक का जो मैंने पेस्ट बना के रख लेती हूँ तो वो ख़त्म हुआ हुआ था, तो जब ऐसे हो जाए ना जल्दी जल्दी काम करना और ये ख़त्म हुआ लहसुन अदरक का पेस्ट, तो बड़ा गुस्सा आता है। ऊपर से मैं टाइम देख रही थी बार बार, क्योंकि टाइम जो था ना वो इस टाइम 1 बज चुका था, और मैं जो है ना गुड़िया आने वाली थी, उसने आते साथ ही ना शिकायतों का पंडाल खोल लेना था कि आपने अभी तक सफाई नहीं की है, टीवी लाउंज इस तरह बिखरा हुआ है।
हालांकि ना मैं बच्चों को नहीं कहती काम करने के लिए, लेकिन मुझे अपने बचपन की बात याद आती है बच्चों के, इस तरह ना बच्चों को देख के, क्योंकि जब हम भी बचपन में थे ना तो अम्मी कभी इतवार को मशीन लगा लेती थी कपड़े धोने के लिए, तो बड़ा ही कोई गुस्सा चढ़ता था और अम्मी कहती थी तुम लोगों का क्या मसला है, तुम लोगों को मैं लगा भी नहीं रही कपड़े धोने के लिए तो फिर भी मुंह नाक चढ़ा आ रहे हो। तो ये ना बचपन में कुछ ऐसे ही होता है। अभी भी मैंने काम रखा होगा ना तो बच्चों को, बच्चों से तो काम क्या करवाना है, यही माएँ कहती हैं कोई चीज़ उठा के रख दो, ये कर दो, उनको ये भी पहाड़ लगता है। तो वही वाली बात, हमारे बचपन वाली बात कोई बच्चे रिपीट करके हमें दिखा रहे होते हैं और वो कहते हैं कि आपने काम क्यों नहीं किया है। हाँ जी, आपने ट्रिप पे यूनिफॉर्म पहन के जाना है ना, तो 1500 भी लेना है उन्होंने, लेना नहीं है तो फिर वो खाना क्यों नहीं दे रहे हैं, लंच कहाँ से करोगे, लंच घाट से बना के देना। अच्छा लंच उधर उधर किधर जा रहे हो, इधर आओ ना पीछे, इधर सामने आके बात करो ना मुझसे, मेरे पीछे देना। अगर मैंने लंच भी घर से बना के देना है तो फिर फायदा 1500 देने का। शॉपर में डाल देना ना सारी चीजें। मैं तो कहती हूँ छोड़ो ट्रिप पे, हम कहीं मीनारे पाकिस्तान का टूर प्लान करते हैं, वहाँ जाएंगे। अच्छा आपको मामा के साथ जाने का मजा नहीं आता? हाँ जी ये इतनी बड़ी जो है ना, ये वो टॉम की हंसी होती है, जब टॉम ने कोई शरारती काम करना होता है ना टॉम एंड जेरी में, यकीन नहीं है ना मामा। हाँ जी, सुबह प्रैक्टिस से गए टीचर ने कहा था आप लोग मेरा हाथ पकड़ के चलना है, जहाँ मैं जाऊंगी ना वहाँ जाना। तो टीचर इतनी क्लास के बच्चों का हाथ कैसे पकड़ेंगी, कॉमन सेंस होती है ना, दो बच्चों का हाथ पकड़ेंगी, दो बच्चे का मैं पकड़ेंगी हमारी क्लास। अच्छा सिर्फ चार बच्चे जा रहे हैं, दो बच्चों का टीचर पकड़ लेंगी, दो बच्चों का मैम पकड़ लेंगी, वो मैम और टीचर के पीछे आएंगे। अगर पीछे से किसी बच्चे ने शरारत की तो फिर टीचर ने कहा था मैं बिल्कुल नहीं हर्ट होंगी, जब मैं हम जाएंगे ट्रिप पे मैं आप लोगों को सर समझाऊंगी। आपने टीचर को बताया नहीं कि मेरी मामा पापा मान नहीं रहे हैं? हाँ लेकिन टीचर ने कहा था ना। क्या कहा था कि आप दौड़ो के कहें। क्या कहें? दौड़ो के कहें। तो आप तो रो रो के नहीं हंस हंस के कह रही हैं। जलजला आई है। अच्छा मुझे तो ऐसे ही लग रहा है टीचर। बस जी हुरिया ने जो है ना वो मुझे आके कोई नोटिस नहीं किया कि मामा ने कोई सफाई सुथराई नहीं की हुई, इवन मैं उसके सामने भी काम कर रही थी ना, क्योंकि उसको चढ़ा हुआ था इस टाइम ट्रिप का जुनून। काफ़ी दिनों से, 2-3 दिन से मुझसे बात कर रही है कि हम लोगों ने स्कूल में ट्रिप पे जाना है, तो मैंने मना किया था कि हम ट्रिप पे नहीं जाएंगे क्योंकि छोटे छोटे बच्चे हैं, तो बस मेरा दिल नहीं मान रहा था कि इनको ट्रिप पे भेजूं। और 1500 वो एक बच्चे का मांग रहे थे और दो बच्चों का 3000, और वो लंच में भी कुछ नहीं दे रहे थे, और इतने स्कूल वाले तेज़ होते हैं ना कि मुझे कह रही थी आगे कि हमारी टीचर ने कहा आपने ज़रा रो रो के मामा पापा को मनाना है, ठीक है। तो मैं इसलिए वो मुझसे ना आके मुझे मनाने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि कल मैंने उसको साफ कह दिया था कि आप टीचर से बोलो कि हमने नहीं जाना। तो अभी जी मेरी बेटी को वीडियो बनाने का बड़ा ही शौक है मेरा कोई, तो वो ना वीडियो बना रही है, इसलिए वीडियो बेचारी इस तरह हिल रही है जैसे कोई ना जलजला आया हुआ, अल्लाह माफ़ करे। तो बस मैं अभी कर रही थी साफ सफाई घर की, मैं बच्चों को लेके जाने लगी हूँ पार्क, आज काफ़ी दिनों के बाद जा रहे हैं हम पार्क में तो मैंने कहा बच्चों को थोड़ा सा पार्क में ले जाऊँ, थोड़ी इनकी हवा बदली हो जाए और आके अच्छा अच्छा सबक याद कर लेंगी फिर जल्दी जल्दी। सही है ना आदिया? सही है आदिया को थोड़ा फ्लू भी लगा हुआ है, आप थोड़ा सा कंट्रोल में है। सुबह कल मैंने इसे कफ सिरप दिया था, घर में टोटके शोटके लगाए थे, मेरा बच्चा सही हो जाएगा इंशाल्लाह। वो ना बाबा बर्फ़ी लेके आए थे, वो थोड़ी सी लेके आओ मेरे लिए, आप भी खा लो। होरिया किधर जा रहे हो? पार्क में। जब इनकी दादी आई थी ना तो इनको रोज़ पार्क में लेके जाती थी, इनकी मौजें ऐसी हुई हुई थी, सुबह भी पार्क शाम भी पार्क, कुछ चोट लगी हुई थी स्कूल नहीं जा रहे थे और अपनी दादी मम्मी के साथ सुबह शाम पार्क जा रहे थे। ले लो आप भी। अदनान ना ये वाली बर्फ़ी लेके आए थे, लेके तो किसी लोकल शॉप से आए थे, किसी बेक वो नहीं थी गोरमे वगैरह या बुंदू खां की नहीं थी, मतलब किसी लोकल बेकरी की थी, लेकिन बड़ी मज़ेदार थी, मुंह में मेल्ट हो रही थी। ये भी मैंने थोड़ा सा पीस खा के रखा है, पहले मैंने सोचा था थोड़ी खाऊंगी लेकिन फिर से मेरा दिल चाह रहा है खाने को, टेस्टी है ना। सुबह लेके आए थे पापा और उन्होंने चखी भी नहीं है, उनको याद ही नहीं है, उन्होंने छुपा के रखी हुई थी वहाँ पे, मुझे बता रहे थे मैं बर्फ़ी लेके आता हूँ लेकिन उनको खाना याद नहीं था।
लेकिन है बड़ी मज़ेदार, सॉफ्ट सॉफ्ट सी है, मुंह में ऐसे घुल जाती है ना। हम कर रहे हैं अपनी बर्फी इंजॉय, टेस्टी है। और अभी हम जाएंगे पार्क में, और शाम को जो है ना वो हमने चेक करवाने जाना है दूध जो हम लोग लेते हैं घर में इस्तेमाल के लिए, जो बाहर से लेके आते हैं, क्योंकि शाम को जो है ना हमारी सोसाइटी में आ रहे हैं फूड अथॉरिटी वाले, और वो चेक करेंगे दूध। उन्होंने पहले से कह दिया है कि जो जो लोग अपना मतलब चेक करवाना चाहते हैं ना वो ले आएँ, और जिस भी ग्वाले से आप लेते हैं, जिस भी दुकान से आप परचेज़ करते हैं दूध, और वो जाके जो है ना वो चेक करवाएं। मुँह में पानी आ रहा है लिटरली बर्फी से अभी भी। तो दूध जो है वो चेक करवा सकते हैं वहाँ पे। तो पहले भी वो लोग आए थे और काफ़ी सारे ग्वाले सील हो गए थे, लेकिन उस टाइम पे ना हमारे पास बॉयल्ड दूध था, तो बॉयल्ड दूध चेक नहीं होता है, कच्चा दूध चेक करवाना पड़ता है। तो अभी हम मैंने ना स्पेशली कच्चा दूध जो है वो अलग से रखा है कप में डाल के, और बॉयल अलग से किया हुआ है। तो अभी शाम को 6-7 बजे आएंगे, तो फिर मैं वो दूध लेके जाऊँगी, उनको चेक करवाऊँगी, और फिर पता चलेगा कि हम क्या पी रहे हैं, केमिकल पी रहे हैं कि असली वाला दूध पी रहे हैं। आई होप कि सही दूध हो, वरना वैसे मुझे लगता नहीं है, क्योंकि जिस शॉप से हम लेकर आते हैं ना उसके बारे में भी यही मशहूर है, और पाकिस्तान में तो आपको पता ही है ग्वाले हो दूध वाले, और दूध में कितने ही ज़्यादा केमिकल मिलाए जाते हैं, बल्कि दूध नहीं केमिकल के ही दूध बना लिया जाता है। तो अब देखें क्या होता है, शाम को अभी दूध चेक करवाने जाएंगे उनसे। गो आ गए, सर्दी नहीं लग रही है, फुल स्लीव्स वाली पहन ले रही थी कोटी, फुल स्लीव्स वाली पहन लो, आ जाओ। बस मैं बच्चों को लेके बाहर पार्क में आ गई हूँ, यहाँ पर थोड़ी थोड़ी सी धूप आपको नज़र आ रही होगी, यहाँ पर थोड़ी देर बैठेगी ना तो इसका नज़ला ज़ुकाम ने फ़ौरन भाग जाना है। अच्छा आजकल ना वायरल बच्चों को होता रहता है, ज़रा नई नई सर्दियाँ स्टार्ट हो रही हैं, सर्दियों के अंदर भी बच्चों को नज़ला ज़ुकाम लग जाता है, खांसी लग जाती है। तो मैं आपको ज़बरदस्त सी टिप देती हूँ जो मेरी आजमूदा है, मैं बच्चों पर यही यूज़ करती हूँ, और डॉक्टर के पास ना शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आप लोग भी बच्चों पर ज़रूर ट्राई करें। एक तो आपने ना कफ सिरप और कोई सा भी ना नज़ला ज़ुकाम का, जैसे कि एक एरिनक आता है, एक पेड्रोल टोटल आता है, ये दोनों बच्चों के लिए होते हैं, ये लेके रख लें। और बच्चों को मैक्सिमम हम 5 दिन दे सकते हैं, वरना 3 दिन देंगे ना तो बच्चों का नज़ला ज़ुकाम ठीक हो जाता है। इसके अलावा आपने क्या करना है, बच्चों का घर में सर भी ढांप के रखना है कैप के साथ, और पाँव में भी सॉक्स पहना के रखनी है। और इसके अलावा आप विक्स खरीद सकते हैं, विक्स तो घर में लाजमी होनी चाहिए। रात को बच्चे की चेस्ट पर मल दी, गला उसे मल दिया, और ना बैक पर मल दी, बच्चे का नाक खुला रहता है और बच्चे को सुकून की नींद आ जाती है। और एक बहुत ही आजमूदा टिप कि अगर बच्चा सारी रात खांसी से सो नहीं पा रहा ना, तो आपने ना बच्चे को 1 चम्मच शहद में 2 चुटकियां काली मिर्च पिसी हुई डाल के ना वो उसको खिला देनी है, उसके बाद बच्चा बात ना करे और ना ही पानी पिए, तो आप देखेंगे कि सारी रात खांसी नहीं आएगी बच्चे को, बच्चा सुकून से सोएगा। क्योंकि खांसी भी इतनी बुरी लगती है ना कि ना बेचारे कमरे में इर्द गिर्द के लोगों को सोने देती है, और ना ही बच्चा बेचारा खुद सुकून की नींद सोता है। तो ये मैं हादिया हूरिया दोनों पे करती हूँ, और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह घर में जो है ना वो ठीक हो जाती हैं। और आप लोग भी अपने बच्चों पर करें, उनको आप अंडा बॉयल करके दे सकती हैं, जो जर्दी होती है ना हाफ बॉयल एग उस तरह दे सकती हैं, जो शानदार डाल के दें, ये इस तरह की टिप्स करेंगी ना तो आपका बच्चा इंशाल्लाह घर में ठीक हो जाएगा, और आपको ये बार बार डॉक्टर के पास बच्चों को ले जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी पूरी सर्दियाँ। थक के मेरे पास आके बैठ गए, चलें? नहीं इतनी जल्दी थक नहीं गए? नहीं करना है अभी, अभी और खेलना है, तो चलो फिर खेलो, ठहर जाओ पूरी, आप थक गए चलें फिर। बैडमिंटन खेलना है, बैडमिंटन, ये अब इस टाइम बैडमिंटन शटल नहीं है बैडमिंटन की, चलें? घर भी सेम मूड था, बाहर भी सेम मूड है, इस मूड का क्या करें, आपकी ना सही तरह कुट लगने वाली है, उसके बाद मूड बिल्कुल सेट हो जाएगा। तो फाइनली जो है वो फूड अथॉरिटी वाले आ गए हैं, अभी उनकी वैन यहाँ से गई है। तो मैंने जो सुबह से दूध बॉयल करके सोई कह रही हूँ, जो मैंने अलग से बचा कर रखा था ना, बॉयल नहीं किया था, वो मैं लेके जाऊंगी और चेक करवाऊंगी, ताकि पता तो चले कि हम लोग जहाँ से दूध पी रहे हैं बच्चों को क्या पिला रहे हैं, कि उसके अंदर केमिकल तो नहीं है, खुदा ना खास्ता, आई होप कि सही निकले। चाहे चलते चलते मेन पर पहुंच गए हैं, और यहाँ पे है ही नहीं, मुझे तो नज़र ही नहीं आ रही है यहाँ पे कोई वैन, चाहे वो पीछे कहीं पे हो, यहाँ से वापस हो गए हैं, हमें कोई नज़र नहीं आई यहाँ पे वैन मेन पे, शायद पीछे ट्राई करते हैं, शायद वापसी पे हमें जाते हुए नज़र आ जाए। हमारा दूध सही हुआ है, हमारा दूध सही है, केमिकल
केमिकल से पाक दूध है ना। चले जी, हमने दूध चेक करवा लिया वहाँ पे, और सुबह मैं पीते हुए सोच रही थी कि ये केमिकल वाला पानी वाला मैं देखूं या आपने देखा। चलो आप बोलो, आप बोलो, चलो अस्सलाम वालेकुम बोल दो, बोल दो। तो मैं सुबह सोच रही थी कि पता नहीं कैसा दूध होगा, मैं केमिकल वाले पी रही होंगी, क्योंकि मुझे 100% तो इतना यकीन था पाकिस्तान में रहते हुए कि दूध जो है वो सही नहीं निकलना है। लेकिन मुझे बड़ी हैरानी हुई और बड़ी खुशी भी हुई कि उन्होंने कहा कि ये दूध बिल्कुल ठीक है। तो अभी मैं बाहर गई थी ना, तो शॉल लेके गई थी ब्लैक वाली, तो इतनी दौड़े लगी कभी इधर से उधर, उधर से उधर, क्योंकि हमें पता नहीं था कि उस साइड पर जाना है। हम लोग बाहर करके नहीं गए थे, ज़रा मेन पर लगा हुआ था उनका कैंप ना, तो हम लोग दूसरी साइड पर से होके आए, फिर हम इस साइड पर दोबारा से गए मशरक मगरब चक्कर लगा के, तो पसीने छूट पड़े हैं। चले जी, यहीं पे हम करते हैं अपने व्लॉग को ख़त्म, और पीछे मेरा आ रहा है पंखा और चारपाई और कूलर, तो यहीं पे अपने व्लॉग को ख़त्म करते हैं। मेरे चैनल को कह दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दे प्लीज़, चैनल को सब्सक्राइब करें प्लीज़, लाइक करें एंड शेयर। अल्लाह हाफिज़। चले जी, मेरी बेटी ने कह दिया है प्यारी सी ने के चैनल को सब्सक्राइब कर दें, अगर आप वीडियो पूरी देखते हैं, अगर अच्छी लगती है तो लाइक भी कर दें और शेयर भी कर दिया करें चले किसी से। तो इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, अपनी दुआओं में याद रखें, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।